दोस्तों, आज वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉडी टाइप्स। ह्यूमन बॉडी कितने टाइप की होती है ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह है हमारी फर्स्ट स्लाइड। देखिए, जो भी जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सभी का जो बॉडी टाइप होता है वो अलग होता है। हर कोई एक जैसा तो नहीं होता, क्योंकि सभी अलग अलग कंडीशन में रहते हैं। कोई अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है, कोई हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है, कोई लो एल्टीट्यूड पे रह रहा है, कोई बायोलॉजिकली अलग है, या कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सभी के अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उसकी सोशियोलॉजिकल कंडीशंस अलग हैं, वो कल्चरल और जिस रेशियल बैकग्राउंड से आता है वो अलग है। तो अलग अलग कंडीशन होती हैं सभी की, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी डेवलप होती है कि हम कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, कौन सा कल्चरल एंड रेशियल बैकग्राउंड है हमारा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारे बॉडी टाइप कौन कैसा होगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने हमारे बॉडी का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। किसी ने दो टाइप में बॉडी को क्लासिफाई किया है कि बॉडी दो टाइप की होती है, किसी ने तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, किसी ने इवन चार टाइप में भी क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर को या कोच को, स्पोर्ट्स के कोच को क्यों जरूरत है ह्यूमन के फिजिक के बारे में स्टडी करने की कि ह्यूमन के जो बॉडी है वो कितने टाइप का होता है? क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हमें ह्यूमन के फिजिक की नॉलेज होगी, हम किसी इंडिविजुअल को देख के ये पहचान कर सकेंगे कि वो कौन सी बॉडी टाइप में बिलोंग करता है, मतलब किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो इजीली हम उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह तैयार कर सकते हैं। और उसके बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग हम उसका स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस वाले स्पोर्ट्स को ये इंडिविजुअल बेटर परफॉर्म कर सकता है, बजाय इसके कि ये इस वाले स्पोर्ट्स में जाए, या ये वाली फिजिकल एक्टिविटी इसकी बॉडी को ज्यादा सूट करेगी, इसकी बॉडी को ज्यादा सूट नहीं करेगी। तो इसलिए हम बॉडी टाइप की स्टडी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, विलियम एच शेल्डन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बॉडी टाइप का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने इसका एक तरह से नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। लोगों के मन में था कि भाई हर इंडिविजुअल यूनिक है और उसका बॉडी टाइप अलग है। बॉडी का क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन विलियम एस शेल्डन ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बॉडी के तीन क्लासिफिकेशन किए। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी तीन तरीके की होती है, एक होती है एक्टोमॉर्फ, एक होती है एंडोमॉर्फ, एक होती है मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में उन्होंने उन इंडिविजुअल्स को रखा जिनकी बॉडी थिन थी, लीन बॉडी थी, बहुत पतले लोग जो होते हैं उन्हें उन्होंने एक्टोमॉर्फ में रखा। जो एंडोमॉर्फ थे वो थे फैट, बड़े मोटे लोग जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फ वाली कैटेगरी में उन्होंने रखा। और जो मेसोमॉर्फ थे, मतलब एथलेटिक क्वालिटी होते हैं, जो ना ही बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उन्हें शेल्डन ने मेसोमॉर्फ की कैटेगरी में रखा। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन शेल्डन ने किया ये 1940s के डेकेड में किया था, आई थिंक 1942 में ये क्लासिफिकेशन शेल्डन ने किया था। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब इनके बीच क्या डिफरेंस है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन तीनों टाइप की बॉडी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पॉइंट नंबर वन के अकॉर्डिंग एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी लीन बॉडी होती है, मतलब वो पतले होते हैं, विद लिटिल बॉडी फैट। उनके जो बॉडी होती है वो एक तो पतले होते हैं, दूसरा उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज भी कम होती है और मसल भी उनकी बॉडी में कम होता है। ठीक है, दे हैव हार्ड टाइम इन गेनिंग वेट, उन्हें वेट गेन करने में बहुत मुश्किल होती है, मतलब बहुत इजीली वो वेट को गेन नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं अगर एंडोमॉर्फ की बात की जाए, यानी मोटे लोगों की बात की जाए, तो उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, मसल भी होता है लेकिन फैट का जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वो वेट इजीली गेन कर लेते हैं, मतलब वो थोड़ा सा भी खा लेना तो उनका वेट एकदम से बढ़ जाता है, जबकि पतले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, वो कितना भी खा ले उनका वेट ही नहीं बढ़ता है। आपने सुना भी होगा कि पतले लोगों का वेट नहीं बढ़ता है, एक्टोमॉर्फ जो होता है उनका वेट इजीली नहीं बढ़ पाता है, वेट गेन नहीं कर पाते। एंडोमॉर्फ के साथ उल्टा होता है, वो थोड़ा सा भी खा ले वेट उनका एकदम बढ़ जाता है। और जो थर्ड टाइप है वो है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ कौन होते हैं? वो ना तो बहुत पतले होते हैं, मतलब एकदम लीन बॉडी उनकी नहीं होती है, ना ही बहुत मोटे होते हैं कि उनमें फैट भरी पड़ी है, ऐसा भी नहीं होता है। वो कैसे होते हैं? वो एथलेटिक क्वालिटी होती है, सॉलिड बॉडी होती है उनकी, स्ट्रांग होते हैं। वो मीडियम टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि मीडियम, बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, बहुत ज्यादा पतले नहीं है, वो मीडियम टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट,
एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स आर अंडरवेट। एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? अंडरवेट होते हैं, मतलब जितना वेट उनका होना चाहिए उससे कम उनका वेट होता है, ठीक है। और एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल्स ओवरवेट होते हैं, जितना वेट उनका होना चाहिए उससे ज्यादा उनका वेट होता है। जबकि अगर मेसोमॉर्फ की बात करें तो वो ना ही अंडरवेट होते हैं ना ही ओवरवेट होते हैं। उनका वेट कितना होता है? जितना वेट होना चाहिए, जो आइडियल वेट होना चाहिए वो किनका होता है? मेसोमॉर्फ इंडिविजुअल्स का होता है। जिनकी बॉडी मेसोमॉर्फ टाइप की होती है उनका आइडियल वेट होता है जितना होना चाहिए, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल का कितना वेट होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मेसोमॉर्फ इंडिविजुअल्स का वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर थ्री, दे हैव पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्टोमॉर्फ की बात चल रही है, एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? पुअर होता है, चीजों को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना। अब वो कुछ भी खा ले वो डाइजेस्ट नहीं होता उनका, तो ये प्रॉब्लम होती है एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स के साथ। वहीं अगर एंडोमॉर्फ की बात की जाए तो एंडोमॉर्फ का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। उनका क्या होता है, मतलब कुछ भी खा ले फौरन डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वेट गेन होता है, क्योंकि जब कोई चीज डाइजेस्ट होगी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमारी जो कैलोरीज है वो सरप्लस में जाएगी, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है हमारा वेट गेन होगा। तो एंडोमॉर्फ के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी खा लें फौरन डाइजेस्ट भी कर लेते हैं और वेट गेन भी उनका इजीली हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं, मतलब एंडोमॉर्फ लोग होते हैं जिनमें फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, वो उन्हें खाने का बड़ा मन करता है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, चाहे एक टाइम में बहुत ज्यादा ना खाएं लेकिन वो खाते रहते हैं पूरे दिन, कुछ ना कुछ मुंह चलता रहता है उनका, है ना। तो आमतौर से आपने देखा होगा। वहीं अगर मेसोमॉर्फ की बात की जाए तो उनके साथ क्या होता है, वो मतलब अब खाने के बारे में बहुत वैसा नहीं रहते कि अरे मुझे ये नहीं खाना मुझे वो नहीं खाना। आपने देखा होगा एंडोमॉर्फ क्या होते हैं, अपना मुझे वेट लूज करना है तो मैं ये नहीं खाऊंगा मैं वो नहीं खाऊंगा, डाइटिंग चल रही है ये सब कुछ हो रहा है। मेसोमॉर्फ को इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है, जो मेसोमॉर्फ है उन्हें मतलब इसके बारे में नहीं रहना कि मुझे ये नहीं खाना मुझे वो नहीं खाना, वो अपना वेट इजीली गेन भी कर सकते हैं इजीली लूज भी कर सकते हैं। एंडोमॉर्फ के साथ प्रॉब्लम होती है वेट लूज करने में, बहुत प्रॉब्लम होती है, वेट लूज इतना आसानी से नहीं हो पाता है। एक्टोमॉर्फ का वेट गेन इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, जबकि एंडोमॉर्फ कुछ भी खा भी सकते हैं और इजीली अपना वेट गेन भी कर सकते हैं वेट लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज है मेसोमॉर्फ के साथ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फोर, एक्टोमॉर्फ का जो फेस होता है वो स्मॉल होता है, छोटा सा फेस होता है उनका। फोरहेड एंड चिन इज पॉइंटेड एंड नोज इज शार्प। जो उनका फोर हेड होता है मतलब जो माथा होता है उनका वो थोड़ा पॉइंटेड होता है और नोज शार्प होती है, ठीक है। चिन भी थोड़ी सी पॉइंटेड होती है उनकी। और अगर बात की जाए एंडोमॉर्फ की तो एंडोमॉर्फ का जो हेड होता है वो कितना होता है? लार्ज, मतलब बड़ा सा उनका थोड़ा सिर होता है, ब्रॉड फेस होता है चौड़ा सा, और स्क्वायर जॉ, जॉ मतलब जो यहाँ वाला पार्ट है थोड़ा सा स्क्वायर शेप में होता है ना, स्क्वायर जॉ होता है, और छोटे कान होते हैं उनके, ईयर छोटे होते हैं एंडोमॉर्फ के। आप अगर कभी नोट करेंगे अपनी रियल लाइफ में कभी नोट करके देखिएगा, जो एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल्स हैं उनके कान छोटे आप देखेंगे, आमतौर से जनरली होता है ऐसा, ठीक है। और अगर मेसोमॉर्फ की बात की जाए तो मेसोमॉर्फ का जो फेस की बोन्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं प्रोमिनेंट होती हैं, और उनके जो शेप होता है वो थोड़ा किस टाइप का होता है? ओवल शेप में होता है। ओवल का मतलब आपने ऑस्ट्रिच एग देखा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पतला और लंबा सा फेस हो गया जैसे एक्टोमॉर्फ का होता है और छोटा सा फेस, ऐसा भी नहीं है। एंडोमॉर्फ का बहुत ही मतलब ब्रॉड फेस होता है, तो ऐसा भी नहीं होता मेसोमॉर्फ का फेस कैसा होता है? ओवल शेप में, जैसे ऑस्ट्रिच एग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्फेरिकल शेप में एकदम गोल सा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है, तो ओवल शेप में, समथिंग लाइक ओवल शेप, ठीक है, उनका फेस इस तरह का होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फाइव, एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी जो नेक होती है, गर्दन जो होती है वो स्लेंडर होती है, मतलब बड़ी पतली सी गर्दन होती है उनकी, और लॉन्ग नैरो थोरेक्स, थोरेक्स वाला जो उनका रीजन होता है वो भी लंबा सा होता है। जो उनके शोल्डर होते हैं बड़े लगता है जैसे लटके वैसे शोल्डर है ना, तो इस टाइप के होते हैं एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स, लटके वैसे और लंबी लंबी आर्म्स होती हैं उनकी, हाथ लंबे से होते हैं और लटके हुए शोल्डर लगते हैं उनके। एंडोमॉर्फ की अगर बात की जाए तो एंडोमॉर्फ का साथ क्या होता है, उनकी जो नेक होती है, गर्दन जो होती है वो मोटी सी थोड़ी गर्दन होती है, थिक गर्दन होती है उनकी, चेस्ट और ब्रेस्ट उनका फैटी होता है, मतलब थोड़ी फैट होती है उनके चेस्ट पर और ब्रेस्ट पर, ठीक है। और अगर बात की जाए मेसोमॉर्फ की तो मेसोमॉर्फ की जो नेक होती है वो स्ट्रांग होती है और लार्ज होती है,
शोल्डर्स उनके ब्रॉड होते हैं और हैवी होते हैं, प्रोमिनेंट क्लेविकल बोन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स, देयर अबडोमेन इज फ्लैट। एक्टोमॉर्फ की बात की जा रही है, एक्टोमॉर्फ का जो एब्डोमेन होता है यानी पेट वाला जो रीजन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है और नेवल के ऊपर से थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है ना, मतलब पेट एकदम अंदर घुसा हुआ रहता है उनकी बॉडी के। और अगर एंडोमॉर्फ की बात की जाए तो उनका एब्डोमेन लार्ज होता है, अबव द नेवल, थोड़ा सा नेवल के ऊपर को आया हुआ रहता है ना, टमी जिसे हम बोल देते हैं कभी कभी। और अगर बात की जाए मेसोमॉर्फ की तो उनका एब्डोमेन लार्ज होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बाहर आया हुआ है, अबव नेवल नहीं आया हुआ होता है, ठीक है, लो वेस्ट तक का होता है उनका जो एब्डोमेन वाला पार्ट है बॉडी का वो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सेवन, देयर हैंड्स आर स्मॉल। एक्टोमॉर्फ के जो हाथ होते हैं वो छोटे छोटे हाथ होते हैं और उनके फिंगर्स और टोज थोड़े लंबे होते हैं, हाथ थोड़े से छोटे होते हैं और फिंगर्स और टोज थोड़े लंबे होते हैं। जबकि एंडोमॉर्फ की अगर बात की जाए तो उनके जो पाम होते हैं, हथेली जो होती है वो बड़ी सी होती है और छोटी छोटी उसमें फिंगर्स होती हैं, ठीक है। तो उल्टा हिसाब है, फिंगर्स छोटी हैं लेकिन पाम बड़ा है, जबकि एक्टोमॉर्फ के साथ क्या है, पाम छोटा है, फिंगर्स लंबी लंबी होती हैं उनकी। और अगर बात की जाए मेसोमॉर्फ की तो मेसोमॉर्फ की पाम और फिंगर्स नॉर्मल साइज में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सी हथेली है उनका जो पाम है बहुत बड़ा सा है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल साइज होता है उनका मेसोमॉर्फ का, ठीक है। पॉइंट नंबर एट कह रहा है, एक्टोमॉर्फ की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है और हेयर उसमें थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब थोड़ी हेयरी टाइप की स्किन होती है और बड़ी सॉफ्ट सी स्किन होती है एक्टोमॉर्फ की, जो पतले लोग होते हैं। वहीं अगर बात की जाए एंडोमॉर्फ की तो एंडोमॉर्फ की स्किन कैसी होती है, थिक होती है, बड़ी मोटी सी स्किन होती है थोड़ी, और उनकी स्किन भी थोड़ी सी हेयरी टाइप की होती है, ठीक है। और अगर मेसोमॉर्फ इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो रफ स्किन होती है और उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन नहीं होता मेसोमॉर्फ की जो स्किन होती है, जैसे मैंने बताया एक्टोमॉर्फ की बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, तो मेसोमॉर्फ की स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रफ स्किन है, नॉर्मल रहती है अच्छी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर नाइन, एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो बड़ी जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी इरिटेटेड फील करने लगते हैं, ओवर टेंस्ड हो जाते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन आती है, कोई किसी ट्रबल में आ जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है ना, अचानक ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं एक्टोमॉर्फ जो होते हैं पतले लोग। जबकि अगर एंडोमॉर्फ की बात की जाए तो उनका जो मूड होता है वो कैसे होते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं एकदम, मतलब यूँ नहीं कि छोटी छोटी बात पर एकदम गुस्सा आ गया उन्हें, ऐसा नहीं होता है, और छोटे छोटे इश्यूज पर गुस्सा नहीं आता, रिलैक्स्ड रहते हैं, मतलब एकदम काम रहते हैं वो एंडोमॉर्फ। हर टाइम आपने देखा होगा हंसते रहते हैं, जो थोड़े मोटे लोग होते हैं तो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं हर टाइम। और अगर बात की जाए मेसोमॉर्फ की तो वो क्या होते हैं, बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं, और दे टेक एक्शंस क्विकली व्हेनेवर दे फेस एनी प्रॉब्लम। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, मतलब एक तो ब्रेव होते हैं है ना, थोड़े बोल्ड होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े जल्दी इरिटेट फील करने लगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो एक्शन भी क्विकली लेते हैं वो, उनका एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक्शन क्विकली लेंगे, ऐसा नहीं है कि बस गुस्सा हो गए और बड़ा इरिटेट हो गए, ऐसा नहीं है, एक्शन भी लेंगे वो क्विकली, है ना। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर टेन, जो एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाले, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स, लिमिटेड, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलेंगे और उससे ज़्यादा नहीं बोलते। अगर बात की जाए एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल्स की, वो क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बोलेंगे। आपने देखा होगा जो थोड़े मोटे किस्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बोल रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, चपर 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 करे जा रहे हैं, है ना। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जनरली, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, आमतौर से। और अगर बात की जाए मेसोमॉर्फ की तो दे आर क्लियर माइंडेड एंड शो डायरेक्टनेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क। मेसोमॉर्फ क्या होते हैं, क्लियर माइंडेड होते हैं, मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, यूँ नहीं कि बैठे हुए फालतू इधर उधर की बातें कर रहे हैं जैसे मेसोमॉर्फ करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बात करना चाहते हैं बात नहीं कर पा रहे हैं, इंट्रोवर्ट हैं, अपनी बात दूसरों के सामने रख नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है उनके साथ। वो क्या है, क्लियर माइंडेड है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ वर्क, मतलब जो काम उन्हें करना है करना है क्लियरली, मतलब सब चीज क्लियर है, ये करना है तो करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आलतू फालतू की बातें करें, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना बोले, तो वो नॉर्मल होते हैं यहाँ भी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, एक्टोमॉर्फ जो होते हैं
वो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब अपने आप को कम आंक के देखते हैं कि अरे शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, भले ही बहुत ही कोई ऐसी एक्टिविटी हो या कुछ कुछ ऐसा हो कि हाँ वो उसे उसे कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि नहीं, अपने आप को मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम आंक के देखते हैं वो अपने आप को, एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल से होते हैं। अगर एंडोमॉर्फ की बात की जाए तो वो क्या होता है, वो ओवर एस्टिमेट, अपने आप को बहुत ही मतलब बड़ा चढ़ा के सोचते हैं कि अरे ये तो मैं कर ही लूंगा, थोड़ी इस टाइप की सोच होती है एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल्स की, कि हर चीज को मतलब बड़ा चढ़ा के करना कि मैं ये तो कर ही लूंगा, और भले ही वो उस चीज को ना कर पाए, है ना, तो ऐसा भी होता है कई बार। और अगर बात की जाए मिज़म ऑफ इंडिविजुअल्स की, तो वो क्या होते हैं, दे आर क्वाइट डोमिनेंट, असर्टिव, एनर्जेटिक एंड एक्शन पैक एंड लव टू टेक रिस्क। वो क्या होता है, कोई रिस्क लेना है तैयार है एकदम, हर टाइम एनर्जेटिक हैं, और हर हर फील्ड में वो डोमिनेंट पाए जाते हैं जो मेजोमॉर्फ होते हैं। तो ऐसा नहीं है मेजोमॉर्फ की अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अपने आप को मान रहे हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, नहीं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। और ऐसा भी नहीं कि जो कैपेसिटी करने की है वहां भी ये सोचें कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करते हैं, हर टाइम एनर्जेटिक रहते हैं, एक्शन पैक्ड रहते हैं, एंड दे लव टू टेक रिस्क, रिस्क लेना उन्हें बहुत पसंद रहता है। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी होती है मेसोमोर्फ इंडिविजुअल्स में आमतौर से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, दे आर वेरी सबमिसिव। एक्टोमोर्फ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, दे आर वेरी सबमिसिव एंड वन ट्रैक माइंडेड एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स मोर एट मेंटल लेवल विथ लेस यूज ऑफ एनर्जी। वो क्या होते हैं, आमतौर से मतलब सारे अपने काम खुद ही करना सोचते हैं, और जो मतलब माइंड वाले वर्क हो उन्हें वो करने में ज्यादा मजा आता है कि ये चीज माइंड से हो जाएगी, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में उनका बहुत ज्यादा वो नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता है। माइंड वाले जो वर्क हो, वन ट्रैक माइंडेड, मतलब ये चीज करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे चले जा रहे हैं, इस टाइप के होते हैं थोड़े। वहीं अगर बात की जाए एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल्स की, तो एंडोमॉर्फ के साथ क्या होता है, दे आर वेरी सोशल एंड लाइक सोशल गैदरिंग्स, बहुत ज्यादा सोशल होते हैं और सोशल गैदरिंग्स को पसंद करते हैं। दे आर रेडी टू हेल्प द पीपल वेन दे आर इन ट्रबल, अगर कोई परेशानी में है, मुसीबत में है, तो उसकी हेल्प करने को भी तैयार रहते हैं एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर बात की जाए मेसोमॉर्फ की, तो वो भी सोशल होते हैं, उनके अंदर भी सोशल क्वालिटीज होती हैं, दे आर एबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स विदाउट ट्राइंग टू हार्ड, बहुत मतलब एक दूसरे के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक्टोमॉर्फ की तरह की मतलब बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़े उन्हें कि नहीं इसे बात करूं ना करूं, 10 बार सोचे, ऐसा नहीं है, वो भी सोशल होते हैं, और जिस तरह से एंडोमॉर्फ सोशल होते हैं ये भी सोशल होते हैं और एक दूसरे के साथ बेटर इंटरेक्शन कर सकते हैं। और ये है पॉइंट नंबर 13, लास्ट पॉइंट है हमारा, एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे टेक अप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड इवन लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट्स। जो लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट्स होते हैं या बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस टाइप के स्पोर्ट्स में आमतौर से एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट होता है ना। और अगर बात की जाए एंडोमॉर्फ की, तो एंडोमॉर्फ जो होते हैं उनका आमतौर से किस टाइप के गेम्स में इंटरेस्ट होता है, उनका होता है पावर लिफ्टिंग जैसे गेम, हैवी वेट रेसलिंग या थ्रोइंग इवेंट्स। आपने देखा भी होगा जितने भी थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं आपको वहां पर एंडोमॉर्फ टाइप के बॉडी के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, पावर लिफ्टिंग में आपको एंडोमॉर्फ टाइप के इंडिविजुअल्स आमतौर से मिलेंगे, है ना, तो क्योंकि इनका इंटरेस्ट होता है, ज्यादा होता है इस तरह के गेम्स में। और अगर बात की जाए मेसोमॉर्फ की, तो मेसोमॉर्फ क्या होते हैं, दे लाइक टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, वो हर टाइप के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, दे लव द आउटडोर एंड लव टू प्ले स्पोर्ट्स ऑफ ऑल टाइप, वो हर टाइप के स्पोर्ट्स में एंगेज होना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ गिनती के गेम्स है कि नहीं मैं पावर लिफ्टिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जैसे मेसोमॉर्फ होते हैं इनका इंटरेस्ट ज्यादातर किसमें होता है, पावर लिफ्टिंग, हैवी वेट रेसलिंग, थ्रोइंग इवेंट्स वगैरह वगैरह, इस टाइप के गेम्स में होता है। और एक्टोमॉर्फ का क्या होता है, एक्टोमॉर्फ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या बैडमिंटन टाइप के गेम्स या टेनिस, इस टाइप के गेम्स में ज्यादा होता है उनका इंटरेस्ट। लेकिन मेसोमॉर्फ क्या होता है, वो हर टाइप के गेम, वो पावर लिफ्टिंग भी करने में उनका इंटरेस्ट होगा, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी करने में उनका इंटरेस्ट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करने में उनका इंटरेस्ट होगा, मतलब जितने टाइप के भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें मेसोमॉर्फ इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट पाया जाता है। वो क्या होता है, दे लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स दैट पुश देयर स्किल्स टू एज एंड बियॉन्ड,
मतलब वो बिल्कुल एज तक जाना पसंद करते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये मेसोमॉर्फ इंडिविजुअल्स की कुछ क्वालिटीज हैं जो कि मैंने आपको बताई, एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल्स की कुछ क्वालिटीज भी मैंने आपको बताई, और एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल्स की भी कुछ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं वो मैंने आपको बताई। ये मैंने आपको दोस्तों 13 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको, तो अगर आप इनमें से 10 पॉइंट्स भी याद रख लेते हैं तो मुझे लगता है सफिशियंट है 10 पॉइंट्स भी, लेकिन 13 पॉइंट्स आप इजिली याद कर लेंगे। देखिए आपकी रियल लाइफ से सारे के सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जो आप रियल लाइफ में देखते हैं तो वही सारी चीजें हैं। दूसरी बात यह कि दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन है ये शेल्डन के अकॉर्डिंग है, और जरूरी नहीं है कि जितने भी दुनिया के लोग हैं वो इन तीनों क्लासिफिकेशन में फिट बैठ रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के बीच में लाई कर रहा हो, तो ऐसा क्लासिफिकेशन कोई शेल्डन ने बनाया ही नहीं है, शेल्डन ने तो तीन क्लासिफिकेशन बना दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई मतलब फुल्ली मेसोमॉर्फ भी ना हो ना ही पूरी तरीके से एंडोमॉर्फ हो, तो इन दोनों के बीच लाई कर रहा हो, एक ऐसा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन शेल्डन ने ये तीन क्लासिफिकेशन बनाए हैं, तो ये हम शेल्डन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना? डब्ल्यू एस शेल्डन के अकॉर्डिंग ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम ये इस वजह से उनके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज आप ध्यान रख लें, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ, और ये पिक्चर अपने दिमाग में बिठा लें। अगर दिमाग में आपके पिक्चर बैठ गई है, मतलब सेट हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई पॉइंट आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, इसीलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो में।